नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच इस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए। इस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा निकाले गए बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए विधायकों की तरफ से निकल कर आ रही है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायकों की तरफ से निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायकों ने काफी ज्यादा बड़ा फैसला लेते हुए काफी ज्यादा बड़ा बयान भी दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे आखिर उन्होंने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया, क्या कुछ बड़ा कदम उठाया है, क्या कुछ बड़ा बयान दिया है और इन विधायकों के कार्यशैली पर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और बहुजन समाज के व्यक्ति क्या कह रहे हैं। और साथियों, आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा बड़े बड़े षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो एक्शन इन विधायकों के ऊपर लिया था वो सही लिया था या गलत, ये भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मान सम्मान की बात है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मान सम्मान की बात है। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सवाल है, आप कमेंट में उसका जवाब अवश्य दे देना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो एक्शन लिया था विधायकों के ऊपर वो सही लिया था? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से जिन 11 या 12 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया था वो निष्कासित करके उन्होंने सही किया था या गलत, वो इस सवाल का जवाब आप अपनी कमेंट में राय देना। साथ में इस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं बीएसपी के बागी विधायक, यानी कि जो भी बागी विधायक थे अब तक, करीब 6 विधायकों की बात सामने निकल कर आ रही है। 6 बागी विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 6 बागी विधायकों की मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी की गई है चर्चा, यानी कि 6 बसपा के विधायक बागी विधायक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिले हैं। यूपी चुनाव 2022 को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हम आपको बता रहे हैं। निष्कासित नेताओं को सपा में लाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मुलाकात कर कार्यालय के पिछले गेट से निकले हैं। साथियों, अगर इतने ईमानदार होते तो सामने गेट से निकलते, पिछले गेट से निकले हैं। यहां पर गौर कीजिए, इस पर भी आप अपनी कमेंट में राय दें। हाल में लालजी वर्मा बसपा से निष्कासित किए गए हैं, रामचंद्र राजभर भी बीएसपी से निष्कासित किए गए हैं। मायावती ने हाल ही में लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर को निष्कासित किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये सही किया था, क्योंकि उनको पता था उनका खुफिया तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मायावती का खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि काफ़ी ज़्यादा कोई भी कद्दावर नेता उनके खुफिया तंत्र के आगे टिक नहीं पाता। जो भी गद्दारी करता है वो बीएसपी के सामने आ जाता है, मायावती जी के सामने आ जाता, तो इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़ा एक्शन लेती है, तुरंत उसको पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। कल तक लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर ये बोल रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी भी बहुजन समाज पार्टी को धोखा नहीं देंगे, अगर हमने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कल तक ये बयानबाजी थी और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है। तो साथियों, इस बात पर आप अपनी कमेंट में राय दे देना। मैं एक पत्रकार हूं और मैं किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्टर नहीं हूं, पर मैं एक बात जो बोलता हूं, जो सच बोलता हूं, वो सच आपके बीच रखता हूं, तथ्यों के आधार पर रखता हूं। ये मेरा जो शुरू से उद्देश्य रहा है और मैं यही उद्देश्य रहेगा, यानी कि जो बयानबाजी पहले देते थे वो उनसे पलट गए और आज मुलाकात खूब धड़ाधड़ हो रही है। यूपी की सियासी हलचल अचानक इन्हीं की वजह से तेज हो चुकी है। बीएसपी के बागी एमएलए असलम राय का बयान आया है, बसपा के बागी एमएलए मिलकर बनाएंगे पार्टी, ये सब असली जो असलम राय ने बोला है। लालजी वर्मा को बनाएंगे पार्टी का मुखिया, बसपा के बगावत करने वाले 11 एमएलए साथ आए होंगे, हमें मायावती से नहीं सतीश मिश्रा से शिकायत है। यानी कि बसपा से बगावत करने वाले 11 एमएलए विधायक एक होंगे जब ये दल बनाएंगे, एक एमएलए की कमी से दल नहीं बन पा रहा है, ये असलम राय की बयान है। 11 विधायक तो एक हैं पर एक विधायक नहीं आ रहा है, इसलिए दल नहीं बन पा रहा है। अगर ये दल बनाए बिना अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो इनकी विधायकी रद्द हो जाएगी, इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं। तो साथियों, ये सब बड़ा बयान भी आ रहे हैं, अगर ये समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो होते हैं, अन्यथा ये अपना नया दल बना लेंगे अगर ये 12 विधायक मिल गए तो। तो साथियों, अगर बिना दल बनाए जाएंगे तो इसमें होगा यह कि उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो जाएगी। एक और विधायक साथ आया तो पार्टी बनाएंगे, दल का नाम लालजी वर्मा को डिसाइड करना है। अखिलेश से मुलाकात पर बोले असलम राय, हम किसी भी नेता से मिल सकते हैं, असलम आज मुलाकात हुई इसका कोई सबूत नहीं,
यानी कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि आज मुलाकात हुई, इसका कोई सबूत भी नहीं है। सबूत नहीं है तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहां से चल रहा है एबीपी न्यूज़? बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो भी इस खबरों को चला रहे हैं। अब साथ में बात कर लेते हैं इनके कार्यशैली पर, समाज के व्यक्ति क्या कुछ बोल रहे हैं, साथ ही हम आपको बता देने की कोशिश करें। तो एक रिपोर्ट से और हम आपको बता देते हैं, यूपी के विधानसभा चुनावों में अभी तकरीबन 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासत में घमासान शुरू हो चुका है। आज बड़ी खबर आई जब बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित विधायकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बैठक खत्म होने के बाद जब बसपा से बागी विधायक असलम राय ने मीडिया से बातें की तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाने की बात कही और उस दल का नाम नेता लालजी वर्मा को बनाने की बात कही। तो साथ ही उस दल का नेता लालजी वर्मा को बनाने की बात कही है। तो साथ ही इन सभी की कार्यशैली पर, यानी कि इन सभी की कार्यशैली पर, इन सभी के फैसलों पर समाज के व्यक्ति बोल रहे हैं। साथ असलम रायनी ने यह भी कहा कि हमारी बसपा सुप्रीम मायावती से कोई शिकायत नहीं बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा से शिकायत है। रायनी ने ये भी कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब देखा हुआ कि यूपी की सियासत किस ओर करवट लेती है, अब ये देखने को होगा कि आखिर ये किसकी तरफ जाते हैं। पर अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं से इनकी मुलाकात चल रही है बीएसपी के बागी विधायकों की, और इनके कार्यशैली पर व्यक्ति बोलते हैं। जो शिवमंगल गौतम हैं वो बोलते हैं और कह रहे थे बहन जी गलत हैं, बहन जी का खुफिया तंत्र बहुत ही मजबूत है, बहन जी के सामने अच्छे से अच्छे लोगों को ना नहीं याद आ जाती है, गलत रिपोर्ट करेंगे। यानी कि आप समझे, कुछ ना कुछ तो समझे होंगे, आप ये समझे होंगे उन्होंने साफ कर दिया कि जो बहन जी को जो बोल रहे थे कि बहन जी गलत हैं, बहन जी का खुफिया तंत्र उन्होंने अच्छा बताया, बहन जी तो सही है, क्योंकि बहन जी सही ना होती तो आज ऐसे विधायकों को बाहर नहीं करती, आज ऐसे विधायकों को बाहर नहीं करती तो एंड टाइम पर ये धोखा देते बसपा को। तो साथ में कुश अम्बेडकरवादी नामक व्यक्ति बोलते हैं, बसपा ने जिन विधायकों को पार्टी से निकाला था वो आज सपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे लोगों को बसपा में रखना भी नहीं चाहिए जो गुपचुप आरक्षण विरोधी सपा से चौंच लड़ा रहे हूँ। इन्होंने कहा कि आरक्षण विरोधी सपा से चौंच लड़ा रहे हूँ, ऐसे विधायकों को बसपा में रखना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि कुश अम्बेडकरवादी नामक व्यक्ति का कहना है कि ऐसे लोगों का जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी माननीय साहब कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है ऐसे लोगों का, उन विचारधाराओं से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लालच के लिए पार्टी में आते हैं और जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है ऐसे वो अन्य जो राजनीतिक दल अपना लेते हैं, इस ट्वीट से साफ स्पष्ट होता है। साथ ही इनकी कार्यशैली पर आप अपने 2 शब्द कमेंट में दें और बहन जी ने इनके ऊपर जो एक्शन लिया था वो सही लिया था वो गलत आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।